गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो अभी बज रहे सुबह का 8 और अभी हम सो के उठे हैं। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए ना हम जो भी बनाएंगे रात में डिसाइड करके रखते हैं, और नहीं तो रात में बाजार से ला के रखते हैं अगर नहीं रहा तो। तो हम आज सोचे ना ब्रेड टोस्ट बना देंगे सब कुछ ब्रेकफास्ट में। तो कल क्या मतलब कल ही हमको ब्रेड लाना था लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिला। मायरा को सुलाते खिलाते पिलाते ना टाइम चल गया। तो अभी 8 बजे उठ गए, अभी हम जा रहे हैं अकेले बाजार। हमको लगा पूछू उठेगी तो दोनों एक साथ जाएंगे, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी, सो रही है। तो हम छोटे से सोचे कि उसको सोने देते हैं, फिर हम जाके लेके आते हैं। तो चलो, मेरा सुबह बाजार से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आके नाश्ता वास्ता बनाना है, फिर मायरा को भी सुला के उठाना है। मेरा गला ऐसा लग रहा है कि बैंड बैंड सा गया। और हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। सोना माता चुबा चुबा उठ के मेरी सोना माँ चिप्स खाती है। देखो कौन खाता है ऐसे चिप्स सुबह सुबह उठ के। मायरा खाती है ना। हाँ, और फिर भी बदमाशी, इतना बदमाश है ना ये। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि इधर सीधी बच्ची है, वो लोग अगर एक बार नहीं मायरा से मिलेंगे ना, नहीं कुछ। ये लोग बोलते हैं कि अरे तेरा बच्चा ठीक है, शांत है, ये है वो है। मैं ठीक है ठीक है। कल पूछू लेके गई, सामने उसका किसी का कजिन का बर्थडे था, तो वो बोले कि बर्थडे है, अब मामा को लेके जा, तो मायरा को भी लेके चल जा रहे थे, तू काम कर ले घर का। बोले ठीक है लेके जा। मायरा लेके गई बर्थडे में, तब हम आलू का भुजिया रोटी वोटी बना, मतलब रोटी नहीं बनाए थे, आलू का भुजिया बना पाए। ठीक है, आके कुछ बोला कि बाप रे बाप, तुझे प्रणाम, तेरा बेटी को प्रणाम। बोले क्यों? बोले एक सेकंड अगर धीरे से शांत से बैठी होगी, और तो और बोले कि घर चलो घर चलो घर चलो, परेशान कर दी, इतना परेशान कर दी। इसको देखने में थोड़ा सा छोटू सा है लेकिन ये बदमाशी है। चलो अभी हम लोग इसको खिलाएंगे। तो हम ना मायरा को, जब मायरा थोड़ी छोटी थी तब हम उसको छातू पिलाते थे, लेकिन बीच में एक साल गैप हो गया छातू पिलाते पिलाते। हम एक साल उसको छातू नहीं पिलाए, उसके बाद उसको छातू पिलाएंगे आज। क्यों पिलाएंगे? क्योंकि ना मम्मा मम्मी रोज छातू पीती है, वो देखते हैं बोले कि एक बार पिला के देखते हैं फिर से पीती है कि नहीं। आज मम्मा नहीं पिया, आज मम्मा खा रही बिस्कुट एंड नट्स, और उसमें नखड़ा उसका है बहुत। नट्स नहीं खाएंगे, अच्छा चीज नहीं। अभी चिप्स दे दो बच्चा को, तुरंत मतलब 2-3 पैकेट फिनिश हो जाएगा अभी। चलो आज तुम्हारा छातू पार्टी चलेगा। मायरा का छुट्टी, और मायरा को लेके ही घर जा रहा है। मतलब मायरा को छोड़ के हम घर आए थे, फिर थोड़ा बहुत मेरा बहन देख रहा है, पूरा एकदम घर चमका के रखी थी एकदम। तो हम जाके ना थोड़ा सा ऑनियन काट रहे थे, क्योंकि रात में बनाना है लिट्टी मुझे, क्योंकि 2 दिन से बोल रहा है। अभी लोग हमको पिटने लगेगा अभी कि आप बना दसली ना। हम पूछू आधा मतलब बैंगन वगैरह भरता के लिए ना वो ये करके रख दी, और हम क्या किए जाके प्याज काट रहे थे, काटते काटते फिर एक कॉल आ गया, उसमें हम लोग दोनों बिजी हो गए, हस्बैंड वाइफ हम दोनों कॉल में बात करने लगे फोन पे। फिर टाइम आया मायरा को, मतलब उतना टाइम ही मिलता है क्योंकि 1.5 घंटा स्कूल रहता ना मायरा का, तो उतना थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है आके हम लोगों को। तो फिर हम लोगों को आना पड़ा, और पूछू बोले हम भी जाएंगे, हमको घर में हम बोर हो रहे हैं, और बोर हो रही थी तो पूरा एकदम घर का काम कर दी एकदम। तो बोले हमको डर भी लग रहा है। मेरा घर में सच बताए ना हमको ऐसे डर लगता है, लेकिन मेरा घर के अंदर हमको डर नहीं लगता है। बाबू दिल्ली गए थे, लेकिन फिर भी हमको नहीं डर लगा, एक बार भी नहीं डर लगा। लेकिन हाँ, घर के बाहर अकेले अगर रात में हम निकलते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, घर के अंदर पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं डर लगता है। मेरा काना जी जो है एकदम दरवाजे की साइड में, नहीं उसका मामा का 1 बजे छुट्टी होता है, 2 बजने वाला है ना बाबू, वो डाब ले रहा है मायरा और मामा के लिए। तो जल्दी में फिर वीडियो लेट हुआ तो नहीं बने। आज भी तो 3-4 दिन 3-4 दिन से एक ही वीडियो बना रहे गाइस का, वो कंप्लीट होगा और एडिट होगा फिर आप लोगों के पास जाएगा। हम उस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड है, और बहुत अच्छा जो भी बना रहा है बहुत अच्छा, मतलब अपना 100% दे रहे हैं। अब देखें थोड़ा बहुत तो भूल चुक तो होता ही है, वो आप ही लोग बताओगे। तो चलो अभी घर जाएंगे, फिर अभी देखो अभी क्या है ना, हम लोग ये सोचे कि एक व्लॉग हम लोग के पास है, घर जाके वो सारा व्लॉग देंगे, जितना भी व्लॉग है वो छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग, हम और मेरी बहन दोनों रेडी होकर रील्स वगैरह बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन इस वीडियो शूट के चक्कर में ना हम लोग एक भी रील्स नहीं बनाए। तो हम लोग एक दो रील्स बनाएंगे, उसके बाद
हम लोग उस जो मेन वीडियो है उसको शूट करेंगे मायरा को मामा को खिलाने के बाद। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी काम पे अपना लग पड़ते हैं। माथा तो इधर गाड़ी तो बोझले क्या ना जानी ना मेरा गाड़ी में बैठने से इसका माथा दर्द देता है मतलब कुछ स्कूटी ही है। ये मेरा घर है इसमें हम इतना कंफर्टेबल है ना कि हम आपको बता नहीं सकते जितना कंफर्टेबल हम अपना बेडरूम में रहते हैं इतना मतलब बहुत प्यार है इस गाड़ी के साथ मेरा इतना तो ये हाल और इसको अपना स्कूटी में कंफर्टेबल लगता है। ये गाड़ी सच बताए ना मेरा मेरा पति देव का धुलते हिलते तो रोड में तो हिलेगा गाड़ी का फॉल्ट थोड़ी है रोड का फॉल्ट है मेरा पति देव का। फिर मेरा पापा मतलब पापा जमुई में पूरा सा मतलब सब तीनों का जान है ये गाड़ी। और मायरा मायरा तो भी छोटी है स्पेशल तो ये मायरा का ही है पर वो बड़ी होगी तब उसको समझ में आएगा और तब उसको ये आएगा पर हम तीनों का नहीं गाड़ी जान है जान है। कुछ हो जाए तो मतलब मेरा एकदम घर संसार बैठा ली इस गाड़ी में ऐसा लगता है। और ये लड़की स्कूल से आते ही गाड़ी में इसको इतना गर्मी लगा कि ये स्वेटर उतार ली। देखो इसका स्वेटर कहाँ गया स्वेटर कहाँ फेंकी ए वो स्वेटर को उतार रख लो स्वेटर सामने खोल के देखो ये देखो मायरा ऐसा करो। और ये जो इसके दोनों के बीच में जो गाय है वो मायरा का सीट हो गया मायरा बैठी रहती है सीट में आँख मार रही देखो नंबर तो। और टिफिन देखो फिनिश नहीं की मायरा बहुत इतना बैड गर्ल है ना मायरा टिफिन कल भी नहीं फिनिश की और आज भी नहीं की। उसके पहले मायरा गुड गर्ल थी फिर कल पता नहीं क्या हुआ कल मायरा को पनीर टिक्का दिए थे मायरा का फेवरेट जो कि मायरा हमेशा फिनिश करके आती है पर कल नहीं की थी। और आज भी थोड़ा सा चेंज करके दिए चॉकोज ये भी फिनिश नहीं किए और चिप्स भी दिए थे जो कि वो भी फिनिश नहीं की थी तो उसका मौसी ने खा ली। हॉस्पिटल सामने है तो बोलो आप क्यों टिफिन फिनिश नहीं किए हो आप बैड गर्ल हो हाँ तो आप लोग कोई बात नहीं करना इससे ये बैड गर्ल है ये लड़की बैड गर्ल है नहीं 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 एकदम भांगुर भांगुर करे भांगुर ना बांगुर बांगुर बांगुर। तो अभी क्या हो रहा है तुम दोनों का क्या बात है दोनों एकदम सज धज के एकदम कुमकुम पोछी कुमकुम आए खाना पीना खा था के अपना बेबी को सुल्ला के फिर हम लोग वीडियोस बनाने के लिए चले गए। अच्छे लग रहे हो दोनों और मामा गई है मामा भी सो रहे थे लेकिन अभी उठी वो भी गई है। देखा दी अच्छी टीवी नहीं अच्छी जा कोई नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है पल आज शरारत करने दे काम बाकी करेंगे कल जाओ बाबा जाओ बाथरूम में घुस जाओ चलो हां तो पाई पूरी एमनी আমার একদম इज्जत মাটিতে এমনি 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 করে দিচ্ছ তুমি আমি হ্যাঁ তুমি আমি কিছু করি না চলো তুমি যাও এখান থেকে তোমার ভালো কথা বলবে যাও ঠিক আছে আমিও যাব যাও আমি দিদি সাথে আর টিপটা পড়ে আসি দাঁড়াও কি সুন্দর দেখো তুমি मम्मी का ये मेकअप का देख लो एकदम शॉर्टकट तरीका कहाँ से बाली से लेके आई है इसको लेके लेकिन बहुत बाली में फिर सिंदूर तुम उसमें लगा देती हो कुछ भी लगा दिए सिंदूर पता नहीं था क्या तुमको मम्मी नहीं ओ माय गॉड दांत में भी सिंदूर लगाई हो कोई बात नहीं हम इसको ना ए बंद देख क्लिप लगी थी इसे ना क्लिप छिलो ना अमर हो गई सलसल कुछ सरप्राइज अरे मेरे को भी नहीं पता था इधर इधर आइए बिल्ली आप अभी आप एक चीज मिस करने वाले बहुत जल्दी आओ देखो अब देखोगे तो हीरो लग रहे हो टकले हो गया उसका क्या गाना बंद करो पता कितना टाइम लगा फ्लाइट में 20 मिनट कौन सा फ्लाइट लिए भैया बांग्लादेश से इधर आ जाओ ढाका से यहाँ पर फटाक से 20 मिनट में अभी मायरा का रिएक्शन देखने वाले इधर आएंगे
जैसी है ना वो आपके लिए वेट कर रही हूँ। मायरा ऐसे मायरा बेबी क्या क्यों सोई है यार ये मायरा 5 मिनट इसका एक वो देखना चाहते हो कैसे मायरा बेबी मैं आ गया मायरा देखो क्या हो गया देखो मायरा खुद ही पहचान लेगी तुम मत बोलो ना कौन आया है देखो ना पहले इसको पसीना क्यों आ रहा है मायरा गुस्सा आया लगता है उसको बहुत पसीना आ गया बेचारी को मायरा कौन है कितनी बड़ी हो गई रे बाबा कौन है हाँ बेबी क्या हो गया इसको नहीं अभी सो के उठे ना इसलिए अभी बाबा क्या हो गया शांत हो गई यार ये कौन है गुड गर्ल कौन है बेटा सोने दो सो उसको सोने दो तू नींद में है बोले से देख नींद में सो सो कितनी बड़ी हो गई है ये पसीना देख रहे हो जिधर जा रही उधर पसीना देखो कौन है बाबा फैन लगा दो उसको चलो तो सोने दो सोने दो थोड़ी देर सोने दो सो जाओ बेबी सो जाओ तुम कर लो तुम्हारा काम चलो क्या सोने दो कौन कितनी बड़ी हो गई रे बाबा ऊपर डेंजर बड़ी हो गई कौन है बाबा कौन आया हम हमको क्यों दे रही हो कौन आया अब आप सोएगी थी अब देखो ना ये क्या सिखाया तुमने यार उसको मैं भी सोता हूँ अभी मायरा तुमने चाचू को हग भी नहीं किया हेलो भी नहीं बोला बोलो करूंगी थोड़ी देर मैं सोई हूँ अभी अच्छा नहीं इसका नाटक है इसको आगे कोई प्यार करेगा तभी करती है बहुत भाव खाती है ये बहुत भाव खाती है ये नहीं बोले ना ये थोड़ा नाटक करती है ये थोड़ा करना भी चाहिए एटीट्यूड है ना चाहिए उसमें मायरा है वो उठ जा चाचू के पास जाओ नहीं उसको सोने दो थोड़े सो जा बाबू थोड़ी देर ठीक है थोड़ी देर में उठना सो जा सोई की नहीं है इसका नाटक देखो ना जा मेरे चाचू को हग करो जा चाचू को हग नहीं किया चाचू गुस्सा को चले जाएंगे फिर चाचू चाचू हग करो चलते गुगु गुगु कल कैसे बोलती थी आप कल कल तू जा 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 क्यों गुस्सा हो करण चाचू गुस्सा हो तो जब करण चाचू को इंडोर गेम दिखाओ अपना जा ना खेबड़ी क्या क्या रोज सुबह पक्का सच्ची और ट्यूशन ट्यूशन किसके पास जाती हूँ जाती हूँ वो बहुत बड़ी बात है बराबर ये किसका ससुर जी बैठो देखो ना कैसे डॉग के टाइम की बैठी हो माइंड कर दो एक पापा के पास देख के बहुत बड़ी हो गई राहुल बड़ी है मैं इमेजिन नहीं किया था ये इतनी बड़ी हो गई अच्छा चाचू को इंडोर दिखाया अपना जा चाचू को लेके जा इंडोर दिखाने के लिए बाहर जाओ
कैसा है तुम्हारा इंडोर गेम? चले ये इंडोर दिखाएगी अपना। तो मुझे पता था कि भैया आएंगे शाम में, बट बहुत जल्दी आ गए और बहुत अच्छा सरप्राइज मिल गया मायरा मम्मी को। मायरा तो एकदम साइलेंट हो गई देख के पहले, उसके बाद खेली चाचू के साथ। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और क्या हो गया ड्रेस चेंज? मिलते हैं अगले ब्लॉग में।